हम साधना के मानसरोवर में कुछ विहार करें। हम इस मानसरोवर में डुबकी लगाकर कुछ ऐसे मोती प्राप्त करें जो हमारे जीवन का सौभाग्य बन सके। हम कुछ ऐसे रत्न हासिल कर सकें जिससे कि हमारे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सके। साधना का तात्पर्य जीवन की पूर्णता है। सही अर्थों में देखा जाए तो प्रत्येक मानव का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, टुकड़े टुकड़े है। कोई अपने आप में पूर्ण जीवन नहीं है, न पूर्ण जीवन हो सकता है। इसका कारण यह है कि मानव इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का तात्पर्य क्या है, और इससे भी बड़ी बात यह कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वह बेतहाशा जीवन में भागता चला जाता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे कहां रुकना है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे क्यों रुकना है, इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और वह इस बात को भी नहीं समझ पाता कि मैं दौड़ता हुआ कहां जा रहा हूं। जब उसके सामने कोई दिशा दृष्टि स्पष्ट नहीं है, जब उसके सामने कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो एक प्रकार से वह अधूरा सा जीवन लिए हुए भागा चला जा रहा है। और यह भागने की क्रिया, यह दौड़ने की क्रिया जीवन की अपूर्णता को लेकर प्रारंभ से अंत तक की एक यात्रा है। परंतु अधूरी यात्रा और अधूरा जीवन अपने आप में अभिशाप होता है, अपने आप में अकर्मण्यता होती है, अपने आप निष्क्रियता होती है, अपने आप में अपूर्णता होती है। जीवन का तात्पर्य है कि यदि प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो उसका कोई मकसद है, उसका कोई अर्थ है, उसका कोई चिंतन है। प्रभु ने एक तिनका और एक भी पत्ती व्यर्थ में पैदा नहीं की है। जब इतने घने जंगल में एक पत्ती भी प्रभु ने व्यर्थ में पैदा नहीं की है तो मनुष्य की रचना व्यर्थ क्यों करता है। जरूर प्रभु ने आपको या मुझे या किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री को, बालक या बालिका को जन्म देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रभु की कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा है, कोई चिंतन है। आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, परंतु आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वह जीवन का विशेष उद्देश्य क्या है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इस जीवन की प्रयोजनता, इस जीवन का लक्ष्य, इस जीवन का दिशा निर्धारण, इस जीवन का अंतिम पड़ाव कहां है, क्या है, कैसा है। और जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन अपने आप में अधूरा सा, अपूर्ण सा और जीवन तुच्छताओं से भरा हुआ होता है। हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए इस जीवन को गंवाते हैं। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, बंधु बांधवों के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक परिवेश के लिए। मगर ये तो बहुत छोटी सी घटनाएं हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। इन घटनाओं या इन बातों से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती। इन तथ्यों से जीवन में संपूर्णता नहीं आ सकती। जीवन में संपूर्णता के लिए सबसे पहला तात्पर्य, सबसे पहला कारण और सबसे पहला हेतु साधना है। क्योंकि साधना के माध्यम से ही यह समझा जा सकता है कि जीवन का अर्थ क्या है। साधना के माध्यम से यह समझा जा सकता है जीवन का प्रयोजन क्या है। और साधना संपन्न करने से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि प्रभु ने हमें जन्म क्यों दिया है, या इस जीवन का हेतु क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है। परंतु क्या प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में साधना लिखी होती है? संभव नहीं है। जिसके जीवन के पुण्य उदय होते हैं, जो जीवन में श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न होता है, या जिनके पिछले जीवन के शुभ फल, शुभ कर्म उदय होते हैं, तब वह व्यक्ति साधना के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है, उसके बारे में आगे बढ़ता है और यह निर्णय लेता है कि मुझे अपने जीवन को एक विशेष उद्देश्य के लिए अग्रसर करना है। जीवन को केवल मल मूत्र और पत्नी पुत्र के बीच में व्यतीत नहीं कर देना है।
चांदी के चंद ठीकरों के लिए और चांदी के चंद रुपयों के लिए इस जीवन को बर्बाद नहीं कर देना है। जीवन का मूल तात्पर्य, मूल हेतु तो कुछ और है, उसको प्राप्त करना, उस पूर्णता को प्राप्त करना, उस आनंद को प्राप्त करना जीवन का मूल ध्येय है, धुरी है, आधार है, आनंद है। इसलिए साधना वह व्यक्ति कर सकता है जो जीवन में कुछ करने का आकांक्षी होता है। साधना का तात्पर्य समग्र रूप से अपने आप को तैयार करने की क्रिया, एक समुद्र में छलांग लगा देने की क्रिया, एक जीवन के पड़ाव को प्राप्त करने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर देने के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देने की क्रिया, अपने आप को फना कर देने की क्रिया। और जब आदमी फना होने के लिए तैयार हो जाता है, जब इस बात को निश्चय कर लेता है कि मुझे समुद्र में डुबकी लगा देनी है, बीच भंवर में छलांग लगा देनी है, और जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह समुद्र की गहराई में बैठकर मोती प्राप्त कर सकता है, वह गहराई में जाकर हीरे जवाहरात रत्न प्राप्त कर सकता है और विश्व में उसका नाम उजागर हो सकता है। मगर जो कायर है, जो बुजदिल है, जो अकर्मण्य है, वे समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं, हर समय खतरों से डरते रहते हैं, वे कूदते नहीं, वे लहरों से भयभीत होकर के पीछे हटते रहते हैं और उनके हाथ में कुछ सीपियां, कुछ कंकर, कुछ घोंघे हाथ आते हैं, मोती प्राप्त नहीं कर सकते, रत्न और जवाहरात प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन का यह आनंद है ही नहीं। जीवन का आनंद तो खतरों से जूझना है, जीवन का आनंद तो परिस्थितियों से मुकाबला करना है, जीवन का आनंद तो उस हिमालय से टकरा लेना है जो अपने आप में अजेय और दुर्गम माना जाता है। जो मर्द का सीना हिमालय से टकराता ही नहीं है वह जीवन बन ही नहीं सकता है। जो घबराता है, जो भयभीत होता है, उससे तो कायर उस दिल ज्यादा अच्छे होते हैं जो कम से कम प्रयत्न ही नहीं करते। जो अपने छाती के जोर से हिमालय को ठेल कर पीछे धकेल देता है, जो भुजाओं के बल से समुद्र को मरोड़ करके पीछे रख देता है, जो एक मुक्की तान करके ब्रह्मांड को विचलित कर सकता है, वह मर्द कहलाता है, वह मानुष कहलाता है, वह अपने आप में जीवन पूर्ण पुरुष कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की तारीफ, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा विश्व करता है, देवता करते हैं, पितृ करते हैं, पूर्वज करते हैं और अणु अणु परमाणु भी उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान करते हैं। सम्मान उसका होता है जो अपने आप को साधता है, सम्मान उसका होता है जो अपने आप में छलांग लगा देने की क्रिया करता है, समाज उसका सम्मान करता है जो साधना के क्षेत्र में उतरता है। इसलिए साधना जीवन का मूल और महत्वपूर्ण पड़ाव है, साधना जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मगर प्रश्न यह उठता है कि क्या साधना के बिना जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती? निश्चय ही जीवन की पूर्णता का तात्पर्य कुछ रुपए कमा लेना नहीं होता, जीवन की पूर्णता का तात्पर्य संतान पैदा करना भी नहीं होता, जीवन का तात्पर्य या जीवन की पूर्णता का तात्पर्य पत्नी पुत्र या स्वजन या बंधु या बांधव या व्यापार या नौकरी नहीं होती। जीवन का तात्पर्य तो समग्र रूप से आनंद की सृष्टि करना, विश्व में विख्यात होना और विश्व को अपनी उंगली में नचा देने की क्रिया होती है। जो विश्व को अपनी उंगलियों में नचा सकता है, सारा विश्व जिसको वंदन करता है, सारा विश्व एकटक होकर के उसको देखने की क्रिया करता है, उसका व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा हिमालय से ऊंचा हो जाता है कि सारा संसार की आंखें उस पर टिक जाती हैं, वह व्यक्ति सही अर्थों में पुरुष है, वह व्यक्ति सही अर्थों में साधक है। ऐसा व्यक्ति साधना करने के बाद ही और साधना के माध्यम से ही वह पूर्णता, वह पुरुषता, वह श्रेष्ठता, वह अद्वितीयता प्राप्त कर सकता है। इसलिए जहां मैं संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जहां मैं अद्वितीयता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जहां मैं श्रेष्ठता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां पूर्ण पुरुष होने की क्रिया का स्पष्टकरण क्रिया है। और यह पूर्णता भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी केवल साधना के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। जहां व्यक्ति में साधना का चिंतन है, जहां व्यक्ति में साधना की धारणा है, जहां व्यक्ति में साधना की ललक है, वह इस पगडंडी पर पहली बार पांव बढ़ाता है और जो पहली बार पांव बढ़ाता है वो इस पगडंडी को पार भी कर सकता है। जो आगे बढ़ता है वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मगर जो भयभीत होकर के खड़ा रहेगा, जो घबरा जाएगा कि इस घने जंगल में प्रवेश करने पर इसका दूसरा किनारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे अकर्मण्य और कायर व्यक्तियों के लिए ये संसार नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है। यद्यपि ऐसे कायर, ऐसे बुजदिल हजारों लाखों हैं जो कि एक चींटी की तरह पैदा होते हैं और चींटी की तरह मर जाते हैं। वह अपने आप में बुजदिल होते हैं, कायर होते हैं, वे पुरुष नहीं बन सकते, वे जीवन पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, वे जीवन में खम ठोक करके खड़े नहीं हो सकते, वे जीवन में हिमालय को धकेल नहीं सकते, और नहीं सकते तो उनका जीवन, उनका मकसद, मतलब कुछ है ही नहीं।
यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि जीवन का यह पक्ष, यह साधना पक्ष अत्यंत आवश्यक है, तो साधना पक्ष का तात्पर्य क्या है, हेतु क्या है, मंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है? साधना का तात्पर्य है अपने शरीर को पूर्ण रूप से साधना या सिद्ध कर लेना, अपने शरीर को आबद्ध कर देना, अपने शरीर को इस तरीके से तैयार कर लेना कि जिस तरीके से वह चाहे उस तरीके से शरीर उसका साथ दे। और शरीर का तात्पर्य यह केवल बाहरी देह भी नहीं, शरीर के भीतर जो मन है, जो प्राण है, जो चेतना है, जो स्पंदन है, वह भी उसका साथ दे, वह अपने आप में पूर्ण अजेय बन सके, अद्वितीय बन सके, अलौकिक बन सके। ऐसी स्थिति जब आती है तब वह सही अर्थों में साधक कहलाता है। इसलिए साधक के लिए यह सबसे पहली और अनिवार्य शर्त होती है कि वह अपने शरीर को साधे, अपने शरीर को तैयार करे, और यह शरीर और इस शरीर के अंदर और जितने शरीर हैं, चाहे वह देह है, चाहे वह प्राण है, चाहे मन है, चाहे आत्मा है, चाहे जीवन के भूलोक है, चाहे सातों लोक है, और चाहे कुंडलिनी है, चाहे मूलाधार है, चाहे सहस्रार है, जो कुछ भी है, उन सबको साध करके जो आगे बढ़ने की क्रिया है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जो आगे बढ़ता है, वह साधक कहलाता है। और जहां मैं साधना सूत्र स्पष्ट कर रहा हूं, वहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि साधना से क्या फल मिलता है, साधना का लाभ क्या है, साधना का उद्देश्य क्या है। साधना का उद्देश्य तो मैंने जैसे स्पष्ट किया कि एक छोटी सी बूंद उछलती है और समुद्र बन जाती है। साधना का तात्पर्य तो मैंने स्पष्ट किया कि एक छोटा सा झोंका उठता है और पूरे विश्व को सुगंधित सुरभिमय कर देता है। साधना का तात्पर्य तो एक मेघखंड समुद्र से ऊपर उठता है और पूरी पृथ्वी को हरी भरी कर देता है, उसको साधना कहते हैं। वह यदि बादल का टुकड़ा एक जगह खड़ा होकर सोचे कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तो वह पूरी पृथ्वी को हरा भरा नहीं कर सकता, अमृत वर्षा नहीं कर सकता, पूरे पृथ्वी को सींच नहीं सकता, पूरी पृथ्वी को तप्त नहीं कर सकता, पूरी पृथ्वी आंखें खोल करके, सारे शरीर को खोल करके उस मेघखंड को निहारती रहती है, पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक सुगंध अपने आप में समेटे हुए जब खड़ा है, तो अब पूरी पृथ्वी को सुरभिमय नहीं कर सकता। पूरी पृथ्वी को आलोकित और सुगंध बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि वह अपने आप में पूर्ण रूप से समग्र हो, अपने आप में चेतना युक्त हो, अपने आप में प्राणशीलता युक्त हो। और प्रश्न उठता है कि क्यों साधना क्यों की जाए? साधना इसलिए की जाए कि एक बूंद अपने आप में समुद्र नहीं बन सकती। बूंद तो बूंद रहेगी, और बूंद का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। बूंद पृथ्वी पर गिरी और मिट गई। बूंद तो एक तप्त तवे पर गिरी और छंद से बुझ गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। बूंद समुद्र बन सकती है, और यदि वह समुद्र बनती है तो उसके जीवन का उद्देश्य है, और ये बूंद से समुद्र बन जाने की क्रिया को साधना कहते हैं। एक छोटा सा झोंका आगे बढ़ता है, पूरे पृथ्वी को सुगंधमय बना देता है, उसको साधना कहते हैं। एक मेघखंड उभरता है और पूरी पृथ्वी को हरी भरी कर देता है, इसको साधना कहते हैं। एक छोटा सा बालक गर्भ से जन्म लेता है और पूरी पृथ्वी को अपने ज्ञान से आलोकित कर देता है, उसको साधना कहते हैं। और एक सामान्य मनुष्य अपने स्थान से ऊपर उठकर के पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, उसको दिशा निर्देश कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, देवताओं को अपना अधीन कर सकता है, देवताओं से मन चाह वरदान प्राप्त कर सकता है, और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसको आयुर्वेद ने पूर्णमदा पूर्णमिदम कहा है। यदि वह ऐसा प्राप्त कर सकता है तो उसको साधना कहते हैं। साधना के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है, और किसी प्रयत्न, किसी उद्देश्य और किसी तरीके से आ ही नहीं सकती। रुपयों के माध्यम से, धन के माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सुंदर स्वरूप के माध्यम से हम जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सौंदर्य के माध्यम से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। वह तो एक छल है, एक प्रवंचना है, एक मृत तृष्णा है कि हम भागते हैं। सौंदर्य के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, धन को देख के हम सब कुछ प्राप्त कर देने की प्रयत्न करते हैं, मगर धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती। हमारे पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि रात को नींद आए। हमारे पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि हमको भूख लगेगी। हमारे पास अरबों रुपए होने के बावजूद भी यह कोई जरूरी नहीं है कि हम मानसिक रूप से सुखी और सफल और संपन्न और संतुष्ट हों। उसके बाद भी हमारे मन में तृष्णाएं रह सकती हैं, तृष्णाएं रह सकती हैं, बेचैनी रह सकती है, छटपटाहट रह सकती है, टेंस रह सकता है, तनाव रह सकता है, और रहता है। और अगर तनाव रहता है
अगर जीवन में न्यूनता रहती है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि लाखों करोड़ रुपयों के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि धन अपने आप में तुच्छ है, नगण्य है, धन से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, रूप से भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। रूप तो एक दोपहर की धूप है जो उभरती है, जो सुंदर दिखाई देती है और सांझ में ढल जाती है, कालिमा में बदल जाती है। सांझ होने पर वह धूप जिसके रोशनी से हम सब निकलते हैं वह अपने आप में काली बन जाती है, कालिमा युक्त बन जाती है। वह तो एक बहुत क्षण रंगोर है, रूप के माध्यम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ प्राप्त हो सकता है केवल साधना के माध्यम से, और इस साधना के माध्यम से ही हम अपने जीवन में भौतिक दृष्टि से भी पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन की आकांक्षाएं होती हैं कि वह धन प्राप्त करे, यश सम्मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करे। मैं भी कहता हूं कि प्राप्त करना ही चाहिए, और यदि नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन में अपूर्णता है। भौतिक जीवन की पूर्णता भी उसके जीवन का आवश्यक लक्ष्य और तत्व है, मगर मेहनत करने से और परिश्रम करने से और घनघोर परिश्रम करने से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता। तो जो पत्थरों में काम करने वाले मजदूर हैं वे हमसे बहुत ज्यादा परिश्रम और प्रयत्न करते हैं, वे तो अरबपति लखपति बन जाते हैं, वे नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। इसका मतलब है केवल परिश्रम से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता, केवल परिश्रम से सौंदर्य प्राप्त नहीं हो सकता, केवल परिश्रम से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परिश्रम सब कुछ नहीं है, सब कुछ है वह इसके अलावा कोई तत्व है, कोई तथ्य है जिसको हम नहीं पहचान पाए। वह तत्व